स्टूडेंट्स, आई एम ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। नाउ अपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 13। क्लास सेकंड नाउंस का हम लोग एक्सरसाइज पार्ट कर रहे थे, जिसका हमारा डी पार्ट हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर ई पार्ट, दैट इज मैच द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू देयर अपोजिट्स। क्या बोला जा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। हमने देखा था ना एब्स्ट्रैक्ट नाउंस में क्या क्या था अपना, देख लेते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वालिटीज़ था, एक्शन था, स्टेट था यानी लव वगैरह, ब्रेवरी वगैरह, और पोलाइटनेस ट्रूथ वगैरह आ गया था, हार्ड स्माइल, थेफ्ट, लाफ्टर, चाइल्डहुड, यूथ, फ्रीडम, सिकनेस, ये सारा हमारा किसका था? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस का। ठीक है, अभी इसमें जो है सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए, उसके अपोजिट से हमें मैच करना है। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। पहले बर्थ, बर्थ मतलब होता है पैदा होना या बॉर्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ से हमारा डेथ हो जाएगा, यानी जन्म और मरण। ठीक है, जन्म और मरण यहाँ पे हमने अर्थ लगा दिया बर्थ का डेथ से। दूसरा पोलाइटनेस, पोलाइटनेस मतलब क्या होता है? विनम्र होता नहीं, शील एकदम विनम्र, तो उसका हो जाएगा किससे? बोस्टफुलनेस, यानी जो जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा वो उत्सुकता रहती है, कैसे मतलब वो लोग शांत नहीं रहते हैं, जिसके अंदर मतलब अपना विनम्रता नहीं रहती है, तो उसका हो जाएगा पोलाइटनेस का किसका, इसका बोस्टफुलनेस से मैच कर दीजिएगा। तीसरा देखते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? पावर होता है, स्ट्रांग यानी स्ट्रेंथ मतलब कैसे मतलब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ यानी इसके अंदर जो है कोई चीज़ पाई जाती है ना, जैसे हमारे अंदर जो है समझिए हमारे पास नॉलेज बहुत सारा है, तो हमारे पास समझ लीजिए एक स्ट्रेंथ है, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है स्ट्रेंथ। और यहाँ पे देखिए वीकनेस मतलब कमज़ोर, स्ट्रेंथ मतलब ताकत समझ लीजिए और वीकनेस मतलब कमज़ोर, तो हमारा स्ट्रेंथ का मैंने लगा दिया वीकनेस से। नेक्स्ट हेल्थ, अभी हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ, जो लोग स्वस्थ हैं मतलब वो हेल्दी हैं, तो हेल्थ का किससे लगा देना है? अपोजिट हमारा डिसीज यानी बीमार है। ठीक है, जो लोग स्वस्थ हैं उसका हम बीमार से लगा देंगे, अपोजिट लगाना है ना हमें यहाँ पे। देखिए हमने हेल्थ का डिसीज से लगा दिया। नेक्स्ट सेल्फिशनेस, अभी सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है? जो खुद मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता हो, जिसको बोलते हैं अपन स्वार्थी, मतलब स्वार्थी जिसको बोलते हैं, जो खुद के लिए सिर्फ भला सोचता हो, तो सेल्फिशनेस हो जाएगा। सेल्फिश का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? देखिए जेनरोसिटी, यानी जो लोगों का भी भला चाहता हो, यानी जो समाज सेविक हो, क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी किसका? सेल्फिशनेस का। नेक्स्ट ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या होता है? सुंदरता, तो उसका ब्यूटी का क्या हो जाएगा अपोजिट यहाँ पे? अगलीनेस यानी मतलब भद्दा एकदम बेकार गंदा। ठीक है, किसका? ब्यूटी खूबसूरत का हो जाएगा गंदा, अगली अगलीनेस। नेक्स्ट अब्सेंस, अब्सेंस मतलब क्या होता है? हाजिर होना, ठीक है, सॉरी गैर हाजिर होना, अब बोलते नहीं आप लोग अब्सेंट होना, उसी तरह से मतलब अब्सेंट मतलब क्या होता है? गैर हाजिर होना, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंस इसका हो जाएगा अपोजिट, एब्सेंस का प्रेजेंट हो जाएगा प्रेजेंस। ठीक है, ये हो जाएगा अपोजिट इसका, यानी हाजिर हो जाएगा यहाँ पे गैर हाजिर। नेक्स्ट गिल्ट, अभी गिल्ट मतलब क्या होता है? और यहाँ पे इनोसेंस मतलब गिल्ट मतलब क्या होता है? जो जिसने गुनाह किया हो, गुनहगार को हम लोग गिल्टी बोलते हैं। ठीक है, जो और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनोसेंस मतलब जो बेकसूर हो, हम लोग इनोसेंस बोलते हैं बेकसूर को, तो गिल्ट हो जाएगा मतलब गुनहगार, और उसका अपोजिट हो जाएगा इनोसेंस, इसको हमने यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है? जो बहादुर होता है। ठीक है, ब्रेवरी का किससे लगाना है? अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? कावर्डाइस, कावर्डाइस मतलब भगोड़ा डरपोक। ठीक है, किसको? ब्रेवरी का हो जाएगा कावर्ड, भगावर्ड, कावर्ड बोलते हैं कावर्ड है यानी डरपोक है, भगोड़ा है, उसका हो जाएगा इससे। अभी देखिए यहाँ पे वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। ठीक है, दौलत इसी को बोलते हैं हम लोग वेल्थ, तो वेल्थ का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पावर्टी यानी गरीबी से हो जाएगा, यानी वेल्थ मतलब हो जाएगा अमीरी और यहाँ पे पावर्टी में हो जाएगा गरीबी, इसको हमने इससे मैच कर दिया अपोजिट में। नेक्स्ट सक्सेस, सक्सेस मतलब क्या है? कामयाबी। ठीक है, यानी अब इसका सक्सेस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा? ये देखिए यहाँ पे फेलियर ऊपर दिया हुआ, फेलियर मतलब नाकाम होना, यहाँ पे कामयाब हो जाना, यहाँ पे नाकाम हो जाना। ठीक है, फेलियर हो जाएगा इसका अपोजिट। अब देखिए लव, लव का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, प्रेम का उल्टा क्या हो जाएगा अपोजिट? यहाँ पे देखिए हेटर्ड मतलब नफरत करना, लव का किससे हो जाएगा? हेटर्ड मतलब नफरत। नेक्स्ट मॉडेस्टी, अभी मॉडेस्टी का भी क्या होता है एक्चुअली? मॉडेस्टी मतलब वही जो हम बोले थे ना विनम्र, ये पोलाइटनेस से ही समझ लीजिए उसका वो अपना समानार्थी शब्द बोलते हैं ना हम लोग साइनोनिम, वही आ जाएगा यहाँ पे। मॉडेस्टी मतलब क्या हो जाएगा हमारा? मतलब शील विनम्र, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? डिसकॉर्टेसी मतलब जो विनम्रता से मतलब कोई काम ना लेता हो, ठीक है, जिसके अंदर शीलता वगैरह ना हो, उसको बोलते हैं डिसकॉर्टेसी। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? हॉनेस्टी। अब हॉनेस्टी मतलब क्या होता है? अब हॉनेस्टी में समझ लीजिए एक बहुत सारा वो आ जाता है, हॉनेस्टी मतलब सिर्फ ईमानदार हो गया। ठीक है,
ईमानदार हो गया, अपने काम मतलब समय पे करने वाला हो, यानी सारी अच्छाइयाँ खूबियाँ उसके अंदर भरी हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, ठीक है, उसको हम लोग हॉनेस्टी बोलते हैं। तो हॉनेस्टी का किससे अपोजिट हो जाएगा? डिसहॉनेस्टी, ठीक है, क्या हो जाएगा? डिसहॉनेस्टी। यहाँ तक हमारा मैच होगा, याद रखेगा इसको, बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा था इसलिए थोड़ा घुमा घुमा के, इसलिए हमने जो है वन बाई वन करके एकदम अच्छे से समझाया, ठीक है। चलिए बाकी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। सुनिए सुनिए सुनिए, एक काम और है, ये जो अंडरलाइन द मटेरियल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ, आप लोग एक काम करिएगा, इसमें से मटेरियल नाउन को अंडरलाइन करना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग अंडरलाइन करके लाइएगा या पेंसिल से करके रखिएगा, अगले वीडियो में जब हम समझाएंगे तो उसमें बता देंगे जिसका सही गलत रहेगा, वो लोग सही मिटा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मगर हाँ, पहले से कोशिश करिए इसको सही करने की खुद से, जिसमें मटेरियल नाउन जो भी है पहले पढ़िएगा मटेरियल नाउन क्या है, फिर उसके बाद इसको हम लगवा देंगे सही से, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।